नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहारी कल्याण स्कॉलरशिप के एक नए अपडेट के बारे में। जो भी छात्र छात्राओं ने बिहारी कल्याण स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किए हैं, चाहे वो मैट्रिक के छात्र छात्रा है या इंटर के छात्राएं हैं, यदि आप में से जो है किसी का भी फॉर्म रिजेक्ट हो गया है या मिसमैच हो गया है और आपने जो है इसको ठीक कराने के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड किए हैं, ऐसे में आप कैसे चेक करेंगे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ या नहीं हुआ है और आपका मिसमैच रिजेक्ट का जो है सुधार हुआ या नहीं हुआ है, पहले क्या शो होता था और अब जो है करंट स्टेटस में क्या शो हो रहा है, हम जो है इस वीडियो में पूरी संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे में जिस भी फ्रेंड्स का ऐसा हुआ है, आपने अपलोड किए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो फ्रेंड्स चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम इस स्कॉलरशिप या कोई भी स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियो लेकर के आए तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है। वहां पर आपको दो लिंक देखने को मिलेगा, एक बिहार कल्याण मैट्रिक स्कॉलरशिप का और एक देखने को मिलेगा इंटर का। तो जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर लिखा होगा कल्याण मैट्रिक स्कॉलरशिप, इंटर का रहेगा तो यहां इंटर का लिखा होगा। तो सिंपली आपको जैसा यहां पर देखने को मिला ऐसा ही आएगा, आप खोल लीजिएगा इसको। उसके बाद नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, यहां पर जो है डाउन करने के बाद आपको एक लिंक देखने को मिलता है जहां से आप डायरेक्टली यहां पर चेक कर पाएंगे। यहाँ पर देखने को मिला डायरेक्ट लिंक स्कॉलरशिप का और यहाँ पर क्लिक है टू व्यू एप्लीकेशन। तो सिंपली आपको जो है इसी लिंक पर यहाँ से जो है क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप डिडक्ट हो जाते हैं मेन पोर्टल पर। यहाँ पर देखिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जा रहा है, आप वीडियो को थोड़ा ध्यान पूर्वक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आपको उस रजिस्ट्रेशन नंबर को डालना है जो कि आप एडमिट कार्ड और मार्कशीट में देखने को आपको मिलता है। तो हम यहाँ से जो है एक स्टूडेंट का आपको डाल करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो है इस स्टूडेंट का स्टेटस ओपन हो चुका है। ये आप देखेंगे यहाँ पर दो स्टेटस आपको देखने को मिलेगा, ये केवल उस स्टूडेंट का देखने को मिलता है जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं। जिसका भी डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है उसको आपको कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन में जो आपको दो स्टेटस देखने को मिलेगा। सबसे पहला स्टेटस देखने को मिलता है आपको करंट स्टेटस, दूसरा आपको प्रीवियस स्टेटस देखने को मिलता है, यानी कि पहले वाला स्टेटस आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। आप ऐसे में आपको समझ लेना है आपका डॉक्यूमेंट यानी कि सबमिट सफलतापूर्वक हो चुका है, आपका ये डाउट क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं प्रीव्यू वाले स्टेटस का। तो यहाँ पर इस स्टूडेंट जो है आवेदन तो किए, तो यहाँ पर देखेंगे बेनिफिशियरी में जो है डीओबी मिसमैच यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि इसका जो है मिसमैच बता रहा है, किसी भी कारण से मिसमैच हो गया। अब इस स्टूडेंट ने क्या किया, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जो है मैट्रिक का जो है यहाँ पर मार्कशीट को अपलोड किए, फोटो यहाँ पर अपलोड किए। वे सभी अपलोड करने के बाद जो है तब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है नेम वेरीफाइड, इसका देखने को मिलता है आधार वेरीफाइड, बैंक नेम ये जो है इनिशिएटेड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बैंक अकाउंट से इसका नाम मैच नहीं करा है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे देखने को मिलता है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मिसमैच, आधार में भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मिसमैच दिखा रहा है, यानी कि अपलोड करने के बाद भी इसका जो है यहाँ पर दोनों में जो है यहाँ पर मिसमैच कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। अब ऐसे में अब इसका क्या होगा, फिर आगे क्या करना होगा, किसी भी तरह से यहाँ पर दोबारा से डॉक्यूमेंट जो है अपलोड नहीं कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आपको दिखाएगा ऑलरेडी डॉक्यूमेंट अपलोडेड, तो आपको जो है इसका धैर्य पूर्वक वेट करना है। अगर यहाँ पर जो है वेरीफाई नहीं होता है तो इसके लिए जो है फिर से पोर्टल पर कोई नया अपडेट को यहाँ पर जारी किया जाएगा। तो ऐसे में जो भी स्टूडेंट का ये सवाल है या कमेंट आता है, तो उन सभी के लिए जानकारी के लिए बता दे कि आप खुद से यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपने पहली बार डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं तो आपको वेट करना है। अब जब तक नहीं होता है ये गवर्नमेंट का जो है काम है, आपको खुद से नहीं करना पड़ेगा। अब दोबारा से अपलोड करने जाएंगे ऑलरेडी यहाँ पर बताएगा, तो ऐसे में आपको वेट करना है। अगर इसके तहत कोई भी अपडेट आता है तो हम जो है आप सभी के लिए यहाँ पर वीडियो बना देंगे। जैसा कि अपडेट आया था तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, तो हमने वीडियो बना करके आप सभी को बताया। तो इसी तरह से कोई भी अपडेट आएगा तो यहाँ पर आपको जो है इसके तहत वीडियो मिल जाएगा, आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दो स्टेटस यहाँ पर देखने को आपको मिल जाता है कुछ इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस आप सभी को इसी अपडेट के बारे में जानकारी देना था, क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारे छात्र छात्राएं जो है परेशान है। तो ऐसे में हमारे द्वारा आपको दी गई जानकारी काफी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल हुआ होगा तो वीडियो को लाइक करते हैं, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें। मिलते हैं कोई नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल रॉकस्टार एजुकेशन।